हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंस्टा किचन में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आपके सामने नई रेसिपी लेकर। फ्रेंड्स, आज मैं वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल इजी तरीके से बनाऊँगा। आपको बहुत पसंद आएगा और आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बाउल लिया है, इसमें अपना चॉप करा हुआ प्याज डाल देंगे हम, साथ ही पत्ता गोभी डाल देंगे चॉप करी हुई, साथ ही अपने खीरा लिया था इसे भी चॉप कर लिया है, ये भी मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे हाफ चम्मच, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें मेयोनीज डाल देंगे, करीबन 2 टेबल स्पून हमने मेयोनीज लिए, साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें एक पेस्ट बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट रेडी है। तो चलिए सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 ब्रेड ली हुई है, इस पर हम एक ब्रेड पे अच्छे से अपने जो हमने पेस्ट पे तैयार किया था इसे अप्लाई कर देंगे। अब दूसरे ब्रेड हम इसके ऊपर से रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे सैंडविच में फिलिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने एक पैन लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे, इसे हम पूरे पैन पे अच्छे से फैला लेंगे। हम अपना सैंडविच इस पर रखेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे हम दोनों साइड से। इसे अच्छे से हम प्रेस कर करके ऐसे ही सेक लेंगे, दोनों साइड से हमें इसे सेकना है अच्छे से। हम इसके ऊपर भी थोड़ा बटर लगा देंगे और इसे पलट देंगे। तो देखिए, एक साइड से हमारा अच्छे से सेक चुका है, देख सकते हैं आप। अभी हम इसे थोड़ा और सेकेंगे, तो ऐसे ही हमें दोनों साइड से इसे लाल करना है। तो इसे एक बार पलट देते हैं हम। तो देखिए, हमारा सैंडविच नीचे से एकदम से अच्छे से सेक चुका है। अब दूसरी साइड से थोड़ा और सेकेंगे हम, उसके बाद हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। देखिए, हमारा सैंडविच रेडी है बनके। देखिए, तो चलिए निकाल लेते हैं इसे। मैं वैसे ही हम सारे सैंडविच सेक लेंगे अपने। तो चलिए इन्हें कट कर लेते हैं अब हम। तो देखिए फ्रेंड, हमारे सैंडविच बन के एकदम रेडी है, एकदम टेस्टी सैंडविच है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे सारे सैंडविच बन के रेडी हैं, मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप घर पे जल्दी में अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो आप इसे बना सकते हैं। और फ्रेंड, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।